ठीक है, इस वक्त ये अहम तस्वीरें अंडर वाटर मेट्रो में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ छात्रों से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अंडर वाटर मेट्रो का तोहफा मिला है कोलकाता को। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अंडर वाटर मेट्रो का सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा करके अपने पास बुलाया और उसके बाद वो तमाम छात्र छात्राएं उनके अगल बगल बैठ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें गौतम लाहिड़ी साहब कैसे बंगाल की सियासत पर आने वाले वक्त में असर डालने वाली हैं, ये जरा आप हमें अगर समझा पाए। एक तरफ विकास की बयार और दूसरी तरफ संदेश खाली का अहम मुद्दा, जिसको बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए जी, बंगाल में कानून व्यवस्था ममता सरकार के राज में ध्वस्त हो गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आज जो सभा है, बंगाल दौरा है कुल मिला के, ये इसमें दो बिंदु है। एक तो है विकास, जो देश के लिए ये गर्व का विषय है कि पहली बार कलकत्ता को सौभाग्य मिला कि गंगा नदी के नीचे से जा रहा है, जो हमने बहुत दिन तक टेम्स नदी का बात सुना था, लेकिन शायद ये एशिया में पहली होगा कि नदी के नीचे से कोई ट्रेन जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस तरह से सरकार दिखाना चाहते हैं कि बंगाल का डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अधूर है, चाहते हैं कि और सारे डेवलपमेंट हो। अगर सत्ता में फिर आते हैं मोदी जी तो और भी कुछ करेंगे बंगाल के लिए। दूसरी तरफ वहां का जो राजनीतिक मुद्दा है, आप देखिए, पहली बार आरामबाग में आने के बाद 20 मिनट का भाषण में मोदी जी ने 8 बार संदेश खाली कर दिया जी। संदेश खाली एक इतना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, मतलब बना लिया कि अभी ममता बनर्जी भी इसको काउंटर करने का कोशिश करके, सुना है कि कल उसका कोई रैली भी करेंगे महिला के ऊपर, महिला समावेश, महिला आयोग को देखे, महिला वहां का जो संगठन है उसको। तो ये महिला एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, महिला का जो रक्षा है, जो सुरक्षा है, इसका कैसे मतलब है। ममता बनर्जी को माना जाता है कि हम महिला के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। गौतम लाहिड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने तमाम खास मेहमानों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरसात में संदेश खाली को लेकर क्या बोलते हैं, आज उस पर भी सबकी नजरें होंगी। तमाम पीड़ित महिलाएं भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर पहुंच चुकी हैं।